आरजीकर अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ रेप के बाद हत्या मामले में सीबीआई जांच के 18 दिन पूरे हो गए हैं। मामला अभी भी उलझा ही है। अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष भी सीबीआई के जांच के दायरे में हैं। उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। उन्होंने लेडी डॉक्टर की हत्या के बारे में जांच एजेंसी को बताया है। इस दौरान उनका 2 पॉलीग्राफ टेस्ट भी हुआ है। उन्होंने कहा पीजीटी डॉक्टर की मौत की जानकारी उनको 9 अगस्त को सुबह 10:20 पर मिली। पीड़िता की डेड बॉडी फर्स्ट ईयर के एक स्टूडेंट ने सुबह 9:30 पीड़ित की बॉडी को सेमिनार हॉल में देखा था। उसके बाद 10 मिनट बाद ही आरजीकर पुलिस आउटपोस्ट ने ताला पुलिस को इसकी जानकारी दी थी। वहीं लगभग 50 मिनट बाद ही ताला पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था। पुलिस के जनरल डायरी नंबर 542 से पता चलता है पुलिस ने सुबह 10:10 पर केस दर्ज किया। लगातार 18 दिनों से घोष अपनी बात को लगातार दूर आ रहे हैं। संदीप घोष ने उस दिन की घटना के बारे में सीबीआई को बताया। आरजीकर के रेस्पिरेटरी मेडिसिन के एसोसिएट प्रोफेसर सुमित रॉय तापदार ने सुबह 10 बजे उनको कॉल किया था। हालांकि वो कॉल नहीं उठा पाए क्योंकि वो शावर में थे। घोष ने कहा उन्होंने सुबह करीब 10:20 पर तापदार को वापस फोन किया, तब पहली बार पीजीटी डॉक्टर की मौत के बारे में उनको पता चला। इसके बाद वो अस्पताल पहुंचे। इस दौरान रास्ते में कई लोगों और ताला पुलिस स्टेशन के एसएचओ को फोन किया था। उधर से सुबह 10:30 जवाब आया। पुलिस ने बताया उन्हें घटना के बारे में पहले से ही पता था। घोष ने जिन अन्य लोगों को फोन किया वो एमएसवीपी संजय वशिष्ठ, रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष सुदीप रॉय और चेस्ट मेडिसिन एचओडी अरुणाभा दत्ता चौधरी थे। घोष ने दावा किया था कि उन्होंने ओसी के घटनास्थल को सुरक्षित करने के लिए कहा था। पूर्व प्रिंसिपल के अनुसार वो सुबह करीब 11 बजे अस्पताल पहुंचे थे। उस दिन अस्पताल में कई ऐसे लोग मौजूद थे जो आरजीकर से संबंधित नहीं थे, लेकिन घोष को जानते थे। वो सभी अस्पताल पहुंच चुके थे इससे पहले कि पीड़िता के माता पिता को अस्पताल से फोन आता। उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। उन्हें घटना की जानकारी किसने दी और किसने फोन करने वाले को ऐसा कहने के निर्देश दिए, सीबीआई अब इस बात की जांच कर रही है कि जब पुलिस आरजीकर अस्पताल पहुंची तो घोष वहां क्यों नहीं थे। घोष के कॉल डिटेल्स का अध्ययन करने के अलावा जांचकर्ता अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारी से भी बात कर रहे हैं। सीबीआई कुछ और पॉलीग्राफ टेस्ट करवा सकती है। मुख्य आरोपी संजय रॉय द्वारा प्रशासकों की भूमिका के बारे में कोई सुराग न दिए जाने की वजह से केंद्रीय एजेंसी 9 अगस्त की सुबह गेट पर ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्डों से भी पूछताछ कर रही है। इस सप्ताह की शुरुआत में उनमें से 2 का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।